सो टेक फैमिली, अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो या गेमिंग के लिए लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो, बजट आपका 1 लाख है, आज मैं आपको टॉप 3 बेस्ट लैपटॉप रिकमेंड करने वाला हूँ। एंड में बता दूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। एंड में आपको बता दूँ, आप इन तीनों में से ही 1 लैपटॉप बाई करने वाले हो 1 लाख के प्राइस रेंज में। बात करते हैं लैपटॉप की, तो नंबर 3 से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पर मैंने रखा है एक ऐसे लैपटॉप को जो कि मैं मिस नहीं कर सकता था। टॉप 3 में मेरे को इस लैपटॉप को रखना ही पड़ना था, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन, इसका लुक, इसके थर्मल, हर एक चीज आपको परफेक्ट मिल जाती है 1 लाख के बजट रेंज अगर आप अपना लेकर जा रहे हो। ये अपने बजट रेंज में बहुत सही बैठता है भाई, 97,990 रुपीज के प्राइस रेंज में लैपटॉप देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ MSI Sword की। वैसे आपको वीडियो में पता चल ही गया होगा कि मैं किस लैपटॉप की बात करने वाला हूँ। 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, 144 रिफ्रेश रेट के साथ, 45% NTSC के साथ मिल जाती है, IPS लेवल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, i7 12th जनरेशन CPU है, 12615H सीरीज का CPU मिलेगा, 10 कोर एंड 16 थ्रेड के साथ, 16GB रैम है, 64GB रैम अपग्रेड कर सकते हो इस लैपटॉप में, 1TB आपको SSD देखने को मिल जाती है, RTX 4015 4GB GPU देखने को मिलेगा, ओपन सिस्टम विंडो 11, ऑल नेसेसरी पोर्ट मिल जाते हैं, 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप, वाईफाई 6 की पोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 एंड अच्छा कूलिंग सिस्टम इस लैपटॉप में मिल जाता है। एंड मैं बता दूं भी, अगर आपको पावरफुल गेमिंग लैपटॉप चाहिए, इस लैपटॉप को मिस आउट मत करना। एडिटिंग करनी है या कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना चाहते हो, आप इस लैपटॉप पे यूज कर सकते हो। अपने प्राइस रेंज से नीचे है, मतलब 1 लाख से बहुत नीचे है, 97,990 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाता है, तो बाई करना चाहते हो कर सकते हो। इन तीनों में से बेस्ट कौन सा ना भाई, वीडियो के मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप बाई करना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इतने प्राइस रेंज में लैपटॉप अभी बाई करना चाहते हो। आगे बात करते हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 की बात अभी कर लेते हैं। तो नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर मैंने रखा है एक मोस्ट सेलिंग लैपटॉप या मोस्ट डिमांडिंग लैपटॉप, मैं बात करूं इस Nitro 5 की। तो इसके थर्मल वगैरह, इसका बजट रेंज, इसके स्पेसिफिकेशन एंड जो कस्टमर रिव्यू आते हैं ना भाई, सारे पॉजिटिव देखने को मिलेंगे इस लैपटॉप के। स्पेसिफिकेशन की बात करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। 15.6 इंच के साथ कॉड HD डिस्प्ले मिलेगी, 165 रिफ्रेश रेट के साथ, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो भाई इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कितनी अच्छी होने वाली है। i7 12615H सीरीज का CPU मिलेगा, 10 कोर एंड 16 थ्रेड के साथ, सेम CPU है जो हमें MSI Sword में देखने को मिल रहा था, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छी है, CPU की कमी नहीं है। आगे स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो 16GB रैम है, 32GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, 1TB SSD मिलेगी, RTX 1370 Ti इसमें GPU मिल जाता है भाई। यहाँ पर प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, 8GB GPU देखने को मिलेगा, 150W के साथ आपको TGB देखने को मिल जाती है GPU की, ओपन सिस्टम विंडो 11, वाईफाई 6 की सपोर्ट, अच्छे थर्मल है, ऑल नेसेसरी पोर्ट है एंड 4 जोन बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिलेगा, 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप। तो ये थे स्पेसिफिकेशन इस Nitro 5 के। एक लाइक पावरफुल मशीन चाहिए ना भाई अगर आपको, इस लैपटॉप को मिस आउट मत करना, बहुत अच्छा होने वाला है। एडिटिंग के लिए, कलर ग्रेडिंग करनी है, गेमिंग करनी है, हाई सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हो, कुछ जा कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना ना भाई, ईजिली नॉर्मली हैंडल करेगा ये लैपटॉप। इसके थर्मल बहुत अच्छे हैं। रिव्यू पढ़ना चाहते हो तो एक बार Amazon पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वैसे मैं आपको ये बात बोल रहा था, ठीक है। आगे बात करते भी नंबर 1 की, नंबर 1 पर मैंने रखा है Acer Predator Helios Neo 16 को। तो यार अगर Predator नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया में नहीं कई कंट्री में ऐसा लैपटॉप है जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है 1 लाख के प्राइस रेंज में, लाइक एक प्रीमियम लैपटॉप कह सकते हैं इसको। चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे वो थर्मल की क्वालिटी हो, चाहे वो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन हो, मतलब हर एक सेगमेंट में या हर एक स्पेक्स में ये प्रीमियम क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है भाई 1 लाख के प्राइस रेंज में। वैसे इसका प्राइस की बात करूं तो 1,04,000 के प्राइस रेंज में अभी Amazon पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, Amazon पे फिक्स नहीं होता, ऐसे नहीं होगा कि अगर 2 वीक बाद देखोगे इसका प्राइस 1,08,000 भी हो सकता है या 1,02,000 भी हो सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है Amazon पे, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, 16 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले है, 400 nits की ब्राइटनेस है, 165 रिफ्रेश रेट के साथ, i5 13500H X सीरीज का CPU देखने को मिलेगा, 14 कोर एंड 20 थ्रेड के साथ। यार इसका कंपैरिजन मैंने किया हुआ है i7 12700H सीरीज के साथ, मैं आपको साथ में शो कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। मतलब यार 5 से 6% जो परफॉर्मेंस है ना i5
13500HX की ज्यादा अच्छी होने वाली है एज कंपैरिजन किया जाए i7-12700H सीरीज के सीपीयू के साथ। मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, ज्यादा इसमें हार्डली मत पड़ो। सीधी सी बात है भाई, इसका सीपीयू जो है ना वो सच में ज्यादा अच्छा है एज कंपैरिजन किया जाए जितने पहले लैपटॉप बताए मैंने। रैम की बात करते हैं, 16GB DDR5 रैम देखने को मिलेगी, 32GB RAM अपग्रेड कर सकते हो, 512GB SSD देखने को मिलेगी, RTX 1450 6GB GPU देखने को मिल जाता है 140TGB के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, वाईफाई 6E की सपोर्ट है, क्लियर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इसके भी मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। तो ये लैपटॉप लाइक मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपको एक प्रीमियम लैपटॉप चाहिए तो आप इस प्रेडेटर हीलियस नियो 16 को चेकआउट कर सकते हो 1 लाख के प्राइस रेंज में। तो ये थे टॉप 3 लैपटॉप जो कि 1 लाख का प्राइस रेंज में आपको सच में बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कंक्लूजन की बात करने लगा हूं कि लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, अगर आपका बजट 1 लाख है या 1 लाख से ज़्यादा पे कर सकते हो, एक प्रीमियम लैपटॉप चाहिए जो कि आपने 4 से 5 साल हार्डकोर गेमिंग करनी है, हार्डकोर वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आप एसर प्रेडेटर की ओर ही जाना। तो ये था मेरी ओर से कंक्लूजन आपके लिए, इन तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है ले लो, लेकिन मेरी ओर से एसर प्रेडेटर लो, अगर वो नहीं तो एसर निट्रो 5 लो। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।